तो हरियाणा में करारी हार के बाद अब कांग्रेस अपनों के ही निशाने पर आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आम आदमी पार्टी और शिवसेना का उद्धव गुट सब कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। सहयोगी दल इसलिए भी कांग्रेस पर हमलावर हैं क्योंकि हरियाणा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को नजरअंदाज किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में सुबह तक जीत की जलेबी बांट रही कांग्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि दिन चढ़ने के साथ उसके अरमानों पर हार की चाशनी फैल जाएगी और इलेक्शन में ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार कांग्रेस को उसी के अलायंस पार्टनरों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। केजरीवाल ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया लेकिन अपने नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस में न रहने की हिदायत जरूर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस अलायंस के साथ कश्मीर में चुनाव जीते उमर अब्दुल्ला ने भी शायराना अंदाज में कांग्रेस की हार पर चुटकी ली। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। चले ना 18-20 होते, 20-22 होते, यहाँ 30-60 हो गए और 60-30 बने। और जो लोग मतलब अपने कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। बड़ी बात यह है कि चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की पेशकश की थी लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को तवज्जो नहीं दी, जिस पर अब मनीष सिसोदिया भी ये कह रहे हैं कि एकजुटता में कमी रह गई। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं था लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। आम आदमी पार्टी के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस पार्टनर शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस पर तीखा और करारा प्रहार किया। सामना के एडिटोरियल में लिखा गया, जीत की पारी को हार में कैसे बदला जाए ये कांग्रेस से ही सीखा जा सकता है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया, हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जिन्हें सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। हालांकि अब
कांग्रेस भी आत्ममंथन की बात कर रही है, लेकिन मंथन के साथ सवालों का ठीकरा भी ईवीएम पर फोड़ रही है।